मैं आकाश आपका स्टडी विद कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारे द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में जो किया हुआ कि 17 नंबर क्वेश्चन था, उसको आंसर गलत हो गया था। इसका सी नहीं था, इसका आंसर डी था, गांधार मूर्तिकला। तो माफी चाहता हूँ दोस्तों, पर इसका आंसर डी है। आगे इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 34 से 34। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमिलित है, सुमिलित करना है, मिलान करना है इसका। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि ऑप्शन देखते हैं। पहली बात तो ऑप्शन में दिए हुए, पहले ऑप्शन दे रखा है ए में 1 2 3 4, दूसरे ऑप्शन बी में दे रखा है 1 3 4, तीसरे में 1 4, चौथे में 2 और 3। अब इनका मिलान करते हैं। तो मृच कटिकम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई। ये तो सही है, एक तो सही है। अगला देखते हैं, बुद्ध चरितम वसुबंधु। तो बुद्ध चरितम वसुबंधु द्वारा नहीं लिखी गई, अश्व अश्व घोष द्वारा लिखी गई थी बुद्ध चरित्रम। तो ये दो नहीं है। दो किस किस में नहीं है? दो इसमें नहीं है, मतलब इसमें है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर बी और सी में से ही होगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। तीन सही है। अब देखो दोस्तों हमारा, अब तीन सही है, तीन इसमें नहीं है तो ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये नहीं है भी नहीं। इसमें आंसर सीधा निकल गया बी, सीधा आंसर निकल गया ऑप्शन से बी। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में के आने का सही काल अनुक्रम क्या है? मतलब काल के अनुसार पहले क्या चीज़ आई थी, उसके बाद क्या आई थी। इसमें भी हम ऑप्शनों को ही देखेंगे। इसमें दे रखा है जैसे सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के तो पहले नहीं आए थे। आहत मुद्रा का चांदी के सिक्के, ये भी नहीं थे। लोहे का सिक्का, सॉरी लोहे का हल, तो ये भी नहीं। अगला है नगर शैली। दोस्तों हमको पता ही है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले नगरीय सभ्यता आई थी, जिसे नगरीय संस्कृति भी कहते हैं, नगरीय संस्कृति। तो इसमें क्या है, चार ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पहले थी, जिसे हम नगरीय संस्कृति भी कहते थे। तो चार इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी दो ये गलत हैं, क्योंकि तो इसमें ऑप्शन में शुरुआत में चार है ही नहीं है। अब दो में से चूज करना है। अगला देखते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे का हल, जो लोहे का जो हल था, ये जो था ये उत्तर वैदिक काल में, किस में आया था? उत्तर वैदिक काल में लोहे का हल की साक्ष्य मिले हमको। तो देखो तीन इसमें भी है, चार के बाद तीन इसमें भी है, अभी भी हमको आगे देखना पड़ेगा। अगला देखते हैं हम, आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के। तो आहत मुद्रा के जो चांदी के सिक्के थे, ये जो आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, ये जो थे ये बुद्ध युग में आए। तो अगला दो देखेंगे तो दो इसमें है, ना कि इसमें, सी में नहीं है, डी में है। तो आंसर निकल गया इसका डी। तो ऐसे दोस्तों हम ऑप्शन को देख के आंसर निकालते हैं। कभी कभी ऑप्शन पूरे देखने पड़ते हैं, कभी कभी एक दो ऑप्शन मतलब उसके आधार पर ही आंसर निकल जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो गया। कैसे? नगरीय संस्कृति आई थी, हड़प्पा पहले आई थी, ठीक है चार। अगला क्या है, लोहे का हल ये आया था, ये उत्तर वैदिक काल में आया था। अगला क्या है, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, ये जो थे बुद्ध काल में आए थे, बुद्ध युग बोल सकते हैं हम इसे, बुद्ध काल में आए थे। अगला क्या, सोने के सिक्के,
और सोने के सिक्के जो थे मौर्योत्तर काल में आए थे दोस्तों। किस में आए थे? मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने स्टार्ट किए? तो कनिष्क ने किए थे, कनिष्क ने किए थे। इसके आंसर इस प्रकार, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 36 नंबर का। इस प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक को कथन ए से तथा दूसरे का कारण आर से कहा गया है। मतलब एक कथन दे रखा है ए और उसका कारण आर दे रखा है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधान पूर्वक परीक्षण करें, इसकी जांच करें और इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। मतलब नीचे कूट दिए गए हैं, इनकी सहायता से चुनते हैं। तो अब देखते हैं कथन ए। अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। मतलब धर्म की अपेक्षा की थी और सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव इनके उन्होंने बल दिया था। ये तो इसका कथन है। और इसका कारण क्या बताया इसमें? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचार का प्रसार किया। दोस्तों हमको बताइए, अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के बाद धम्म का अपनाया था, धम्म को अपनाया था। क्योंकि तो बोलते हैं कि जो अशोक ने कलिंग युद्ध में जब उसमें लोगों की जब लोगों को देखा तो भागदौड़ हो गया, क्योंकि तो लोगों की उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इसलिए उसने धम्म का अपनाया था। और धम्म का मतलब है धर्म से नहीं है यहाँ पे, मतलब इसमें था समाज, इस सामाजिक जो समन्वय है उससे था। तो इसमें उसके तो इसमें आंसर देखें हम कि उस उसका कथन दे रखा है, उसका आंसर वो कथन दे रखा है। इसका कारण देखते हैं कि उसने धम्म संवर्धन, धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों पर साथ किया। तो बिल्कुल दोस्तों, उसने यही किया था कि अशोक के जो सामाजिक समन्वय है उस पर ज़्यादा बल दिया था, समानता और निष्पक्षता, समानता समानता और निष्पक्षता इस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, ना कि धर्म पर। तो इसका आंसर दोस्तों ए ही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऐसे को दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान का आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? मतलब सही कौन से सम्मिलित हैं? तो दोस्तों देखते हैं हम, तो लोथल, तो लोथल में दे रखा है प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र, तो लोथल से प्राचीन गोदीवाड़ा मिला था। बिल्कुल सही है। इसमें भी ऑप्शन देखते हैं, एक तो सही है क्योंकि लोथल से जो था सॉरी लोथल से था प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र था, मतलब यहाँ पर बंदरगाह थे। और लोथल और ये जो है ये गुजरात में है, लोथन जो जगह है वो गुजरात का, जो गुजरात भी तटीय राज्य है, तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि यहाँ तो मिले ही यहाँ हड़प्पा से। अगला देखते हैं सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश। तो सारनाथ से बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन देखते हैं, पहला और दूसरा तो अभी तक सही है। तो ये देखे, ये भी इसमें भी है, इसमें भी है, अब ये हट गया ऑप्शन। अगला देखते हैं, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। तो दोस्तों अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष है ये राजगीर से नहीं मिलकर ये सारनाथ से मिला था। किससे मिला था? सारनाथ से मिला था। तो ये गलत है, तीन गलत है। अभी हमको दो के बारे में पता चला है, तीन ऑलरेडी गलत हो चुका है। तीन किसमें? इसमें। तो ये नहीं होगा, अब दो चुनने, एक दो तो अभी तक है। अगला देखते हैं, नालंदा बौद्ध अधिधम का महापीठ, बौद्ध अधिधम का महापीठ। तो दोस्तों बिल्कुल मिला था बौद्ध अधिधम का महापीठ। तो इसका दोस्तों आंसर होगा सी। तो ऐसे दोस्तों हमको देखना पड़ेगा और ऐसे मिलान करके इसका आंसर निकला है सी। क्योंकि जो ये अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो था वो राजगीर ने होकर सारनाथ में मिला था। कहाँ मिला था? सारनाथ में मिला था। इसलिए इसका आंसर मतलब
तीन तो हो ही नहीं सकता इसमें, और तीन नहीं होने से ये कट गया ये कट गया, बचा ये, हमने चौथा ऑप्शन देखा, बौद्ध अधिधम का महापीठ, तो ये नालंदा मिला था, तो इसका आंसर सीधा सी निकल गया। तो ऐसे दोस्तों इसका आंसर सी निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं 38वां। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने वाले प्राचीनतम शाही आदेश, मतलब ऐसा कौन सा प्राचीन आदेश था, प्राचीन में ऐसा कौन सा अभिलेख, शिलालेख, ताम्रलेख, ताम्रपत्र कौन सा था जिसमें यह बताया गया कि जो उस टाइम की जो क्या बोलते हैं कि आदेश था कोई, मतलब उस टाइम भी उसको जब कोई वो प्रॉब्लम आती थी, जब कोई संकट आता था, भुखमरी आती थी, तो उसके बारे में बताया गया है, ऐसा कौन सा वो अभिलेख ताम्रलेख इनमें से दिया गया है जो है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें, शोगोरा ताम्रपत्र, शोगोरा ताम्रपत्र देख लिया। अगला देखते हैं अशोका रुग्मदेही स्तंभ लेख। अगला देखते हैं प्रयाग परिस्थिति सॉरी प्रयाग प्रशस्ति। अगला है चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो दोस्तों जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सॉरी सोयगोरा का जो ताम्रपत्र था इसमें यह उल्लेख किया गया है जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जिसका। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ना मतलब जब भुखमरी आएगी तो खाद्यान्न का संकट आएगा, खाद्यान्न संकट आएगा, तो इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इसको सुरक्षित किया जाएगा। तो ये अभिलेख दिया गया, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बताया गया कि इस अभिलेख के बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक राहत राहत कार्य किया गया था। इसी ताम्रपत्र में बताया कि अशोक ने उस टाइम अपने टाइम जब अकाल आया था तो अशोक ने संकट की स्थिति में राहत कार्य किए थे, तो उसी से क्वेश्चन पूछा है, तो मौर्य काल से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सोगोरा ताम्रलेख है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्वेश्चनों का ज़्यादा जो एरिया है मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस मतलब ये शासक के बारे में पूछ लिया, मतलब ये अभिलेख के बारे में पूछ लिया, शासक के बारे में नहीं, अभिलेख की राज सेवर लगाते थे तो उसका उल्लेख कौन से अभिलेख में, कौन से ताम्रपत्र लेख में, दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टम मार का जो अष्टम मार की संकल्पना थी उसका किसका अंग है, अंग किसका है, पहली बात तो ये पूछा है दोस्तों अंग किसका है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि दीप वंश की विषय वस्तु, तो ये तो हमने कहीं सुना नहीं अष्टम मार के बारे में, ये तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म से संबंध कुछ था। तो अगला देखते हैं दिव्यावदान की विषय वस्तु, ये भी हमने नहीं सुना। अगला देखते हैं महापरिनिर्माण की विषय वस्तु, तो ये भी महापरिवर्णन की बात अलग हो जाती है। अगला देखते हैं धर्म परिवर्तक सूत्र की विषय वस्तु। दोस्तों इसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब बुद्ध ने कहा था कि सांसारिक सांसारिक संसार, मतलब संसार के सांसारिक जो संसार के जो सांसारिक दुखों से मुक्ति पानी है, तो उसने अष्टांग मार्ग की बात की थी। तो ये धर्म परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु में माना जाता है इसको, जो अष्टम मार्ग की संकल्पना का, तो इसका आंसर डी है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाता है, क्योंकि जब हम बुद्ध की जो शिक्षाएं पढ़ेंगे, वो धर्म का प्रसार पढ़ेंगे, कहाँ का गया था उसका मूल सिद्धांत क्या थे, उसने कौन कौन से उपदेश दिए थे, कहाँ उसने उपदेश दिए थे, पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको पढ़ेंगे हम बुद्ध को जब उसमें आता है ये सब। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर पर, एक मानचित्र दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे दोस्तों, पर अब इसमें मतलब आना बंद मतलब आना कम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा,
ऐसा क्वेश्चन अभी भी आ सकता है मैप को, लेकिन हिस्ट्री में। अगला देखते हैं इसमें, कनिष्ठ ये मानचित्र दिया गया पूरा, और मानचित्र में जो दर्शाया गया है कि कौन सा काल में इतना विस्तार हुआ था, तो ये इसमें से देखना है। कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय बी क्या है, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत सी क्या है, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक समय जो था, डी क्या है, हर्षवर्धन की राजा उनके अवसर के थानेश्वर के साम्राज्य। तो थानेश्वर का साम्राज्य तो कम ही था उस टाइम, इतना थोड़ी था। तो दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि ये जो मैप दिया गया है, ये अशोक के उसके शासनकाल का अंतिम समय था, जब अशोक ने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। तो मौर्य काल के आपको पता ही होगा, अशोक जो महान थे, अशोक महान जो थे, ये मौर्य काल के राजा थे, और इसका शासनकाल जो था 269 से 232 ईसा पूर्व का शासनकाल था, और इसके इसका जो शासन का जो विस्तार था, कि शासन का विस्तार जो था, ये था पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस मानचित्र में दिखाया गया अभी, अफगानिस्तान और इधर असम। इस मानचित्र में दिखाया गया है सब, ये अफगानिस्तान के एरिया है, मतलब ये वाला, ये पाकिस्तान का एरिया है, देखो इस मानचित्र में दिखाया गया है, तो अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और असम की तरफ। तो ये जो है ना, ये अशोक के समय था, जब अशोक का शासनकाल का जो अंतिम समय था उस टाइम का था ये मानचित्र दिखाया है, वैसे इसका आंसर सी हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर का, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय व्यापारी अधिक, मतलब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय अधिकारियों की जो अधिकाधिक जो व्यापारियों की जो निर्भरता थी वो किन पर हो गई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अफ्रीका व्यापार पर, तो अफ्रीका से उस टाइम व्यापार का इतना वो नहीं था, तो ये तो नहीं है। अगला देखते हैं, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, पश्चिमी यूरोप से भी कम करते थे उस टाइम, दक्षिण पूर्व एशियाई पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई पर। अगला देखते हैं, मध्य पूर्व एशिया पर, सॉरी मध्य पूर्व व्यापार पर, मध्य पूर्व भी नहीं था उस टाइम, क्या था रोमन साम्राज्य जब विघटन हुआ, रोमन साम्राज्य का जब समाप्त हुआ, तो उस टाइम क्या, उसके बाद क्या है कि भारतीय जो व्यापारी थे उनकी निर्भरता जो थी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ज़्यादा हो गई थी। दोस्तों इसका आंसर सी है, क्योंकि जब इसका रोमन साम्राज्य का जब विघटन हुआ, तब तक हमारी जो निर्भरता थी वो ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशियाई से हो चुकी थी, वो उसका तो विघटन हो चुका था, इसी कारण इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित व्यक्ति दिए गए हैं भारत में किसी न किसी समय आए थे, ये बात सही है, और ये व्यक्ति दिए गए हैं, और इसके आगमन का सही काल अनुक्रम दीजिए, मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो दोस्तों इसमें भी हम ऑप्शन का यूज करेंगे, अब देखो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, फाइयान, इत सिंह, मैगसनीज, वेनसियांग। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो मैगनीज है, मैगनीज जो है ये चंद्रगुप्त, जो अब देखो इसके कारण है, मैगनीज जो था ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य काल में, और जो अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था मैगनीज, और उसके बाद क्या आया, देखो अब देखो इसमें, उसके बाद देखो इसमें कौन आया था, तो फाइयान आया था, और फाइयान कब आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था फाइयान आया था, मेघस्थिति के बाद फाइयान आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था वेनस्यांग, और ये कब आया था, ये हर्ष वर्धन
ये शासन काल में आया था दोस्तों। तो कौन आ गया, वेनचंग आ गया। उसके बाद कौन आया था, एत सिंह। जो एत सिंह था ये सबसे एज में से सबसे लास्ट में आया था, ये सातवीं सदी में आया था और ये हर्षवर्धन के बाद आया था, जब हर्षवर्धन का शासनकाल था उसके बाद आया था। तो दोस्तों अब देखेंगे हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं, तो उसमें दिया गया है, मैंने निकाला जब उसमें देखा कि मैग्नस्टीन, तो मैग्नस्टीन तीन तीन पहले किसमें, तीन इसमें भी है, बी में और सी में भी है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं फाइयान, फाइयान फाइयान कहाँ है देखते हैं, एक तीन के बाद एक, दोनों में ही अभी तक। उसके बाद देखते हैं वेनशांग, वेनशांग चार, तो इसमें तो नहीं है, तो इसका आंसर बी। ऐसे देखते हैं दोस्तों इसका आंसर सीधा निकल गया, बी आंसर इसका निकल गया। कैसे, हमने उसका काल कम देखा था उसके अनुसार। देखो पहले मैग्नस, बुरे मिटाता हूँ, पहले मैग्नेटिज आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। उसके बाद कौन आया था, तो उसके बाद जो आया था फाइयान आया था, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। और तीन के बाद एक, तीन के बाद इसमें भी है एक, तीन के बाद ये इसमें भी है एक, बी में भी है एक। अगला देखते हैं हम, तो अगला जो आता है वो भीमसेन आता है, और भीमसेन आता है हर्षवर्धन के समय में। तो भीमसेन किस में, चार, चार किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका आंसर बी हो गया। और लास्ट में जो आता है वो इत सिंह आता है, वो सातवीं सदी में आता है जब हर्षवर्धन का काल समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी निकल गया दोस्तों। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो दोस्तों हमको ये पता ही है कि उस टाइम जब ये बता रहा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस टाइम कौन सा सबसे शक्तिशाली, तो उस टाइम ये जो टाइम है वो महाजनपद, महाजनपद कालीन समय था छठी शताब्दी का, उस टाइम पूछा है। तो शक्तिशाली शक्तिशाली पूछा है इसमें, तो गंधार, कंबोज, कांसी, मगध। दोस्तों आपको पता ही है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तो मगध ही सबसे शक्तिशाली था, तो इसका आंसर डी है। और मगध जो शक्तिशाली था महाजनपद काल में, जो मगध सबसे ताली जाता था, उसका रीजन क्या था दोस्तों, जब एनसीईआरटी 12th की न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम, उसका शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर शायद, हाँ, तो उसमें ये दिया गया है इसके बारे में दोस्तों। तो मगध क्यों शक्तिशाली था, देखते हैं मगध क्यों था। पहली बात तो मगध जो थी उसकी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कि वो पहाड़ियों के बीच में बना बसा हुआ था। दूसरी बात भौगोलिक स्थिति होगी, दूसरी बात है कि मगध के पास, मतलब मगध के पास नदियां बहती थी, तो उसका जल मार्ग से व्यापार आसान होता था, नदियाँ बहती तो श्योर है कि जल मार्ग से जो व्यापार था वो आसान होता था। इसके अलावा नदियाँ का हो गया, इसके अलावा लोहे की खदानें थीं, तो क्या है सेना के लिए जो हथियार थे वो भी उपलब्ध हो गए। अगला क्या है, तो इससे अलावा हाथियों की संख्या भी अधिक थी, और उस टाइम क्या सेना के उपयोग में हाथियों का उपयोग किया जाता था। अगला क्या है कि जो मगध को जो था, मगध के उत्तराधिकारी भी अच्छे आ गए, जिसमें
बिंबिसार, अजात शत्रु, ऐसे करके। तो उसमें क्या ही रीजन थे इसके, भौगोलिक स्थिति। अब इसमें फिर से देख लेते हैं हम एक बार, इसको सबको मिटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है। वही जब ही समझेंगे आप जब किसी क्वेश्चन को करते हैं तो पहले ये देखो कि इसका क्वेश्चन पूछने का बेस क्या था। एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है सब तो नहीं, मतलब हाँ एनसीईआरटी इसका बेस बनाया है। तो मगध का शक्तिशाली होने का कारण देखो, तो पहला कारण भौगोलिक स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी, पहाड़ियों से घिरा हुआ था इसके कारण। दूसरा ये नदियाँ ज़्यादा थी जिससे क्या है जलमार्ग, नदियों का होना जलमार्ग जो था उससे व्यापार अधिक होता था। तीसरा कारण क्या है, खदानें थी यहाँ लोहे की, लोहे की जो खदानें थी जिससे क्या है, लोहे की खदानें थी तो उससे क्या है सेना का जो सामान होता था वो मिलता था, उससे बनता था हथियार वगैरह थे। चौथा क्या था, हाथी ज़्यादा उपलब्ध थे यहाँ, जो हाथी थे वो ज़्यादा उपलब्ध थे, और उस टाइम क्या है हाथी सेना के उपयोग में काम आते थे, तो ये भी इसका रीजन था। अगला क्या है कि इसके जो उत्तराधिकारी हुए थे मगध के, ये भी मतलब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थे, अजात शत्रु, बिंबिसार, ऐसे करके। तो इसकी रीजन थे, इसलिए मगध उस टाइम का सबसे शक्तिशाली, जो महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली नगर था। तो इसका आंसर डी है दोस्तों, इस प्रकार हम आंसर इसका डी है। अगला देखते हैं, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनान राज्य। अब ये भी क्या है, उस टाइम जो मौर्य काल जो था उससे पहले जब सिकंदर भारत आया था ऐसे करके, तो उसके बारे में है। तो ये तो उस टाइम क्या है पूछा है, उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य, तो बैक्ट्रिया, सीथिया, जेड रेशिया, आर्या। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी जो राज्य था वो था बैक्ट्रिया था उस टाइम, और इस उस टाइम का अफगानिस्तान के शक्तिशाली साम्राज्य भी था, एक राज्य था, तो वैक्ट्रिया था, यही था इसका आंसर, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द जो है वो क्या इंगित करता है, मतलब क्या बताता है। तो दोस्तों निर्जाति समूह, ययावर जन जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो हमको पता है कि आर्य जो शब्द है वो भाषा समूह को बताता था, और ये जो भाषा समूह है आर्यों की जो भाषा थी, पहली बात तो आर्यों की भाषा क्या थी, ये थी संस्कृत। तो ये थी संस्कृत, तो ये आर्य शब्द जो है ये भाषा समूह को दर्शाता है, ये तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का, गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता, गुप्त काल के बारे में पूछे हैं, और ऑप्शन दे गए हैं ताम्रलिप्ति, भडोज, कल्याण, कम्बे। दोस्तों आपको पता ही है कि गुप्त काल के बंदर क्या हुए, गुप्त काल की क्या है, एक तो क्वेश्चनों का एरिया बताता हूँ आपको, गुप्त काल। अब ये पूछ लिया आर्थिक स्थिति गुप्त काल की, बंदरगाह संबंधित। और दोस्तों हमको पता है कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था, आप हाँ जब अखबार पढ़े हुए तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह के बारे में पढ़े हुए, तो इसका आंसर है ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन शहर, ताम्रलिप्ति जो प्राचीन वो था ये बंदरगाह था, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और सबसे बड़ी बात है कि ये गुप्त काल में ही ज़्यादा उस पे था, अपनी व्यापारिक स्थिति में अच्छा था उस टाइम, व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, क्योंकि तो उस टाइम जो जल मार्ग से व्यापार होता था
बंदरगाहों के थ्रू होता था और अभी भी होता है यहाँ तो, मतलब बंदरगाहों के थ्रू तो। और सबसे बड़ी बात है ये जो ये बंदरगाह जो था ये क्या है कि सिल्क रूट, उस टाइम क्या सिल्क रूट चलता था, सिल्क रूट से उत्तरापथ होते हुए, सिल्क रूट से उत्तरापथ होते हुए मध्य पूर्व और यूरोप तक इसका व्यापार होता था। उस टाइम क्या है कि सिल्क रूट का जो प्रचलन था ही था, उत्तरापथ एक एक मतलब एक बड़ा वो मार्ग था, जैसे इस टाइम चलते हैं ना बड़े बड़े मार्ग, मतलब बड़े बड़े हो तो उस टाइम भी यही चलते थे। तो इस प्रकार इसका आंसर गुप्त काल जब हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देते हैं, वही दे रखा है, कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है। अब देखते हैं, पांडीन किलकन कुकु समूह की अहम और पुरम कविता संगम रचना की अनुवर्तन है। ये थोड़े शब्द ऐसे ही हैं अटपटे थोड़े, क्योंकि ये साउथ के मतलब वर्ड है, थोड़ा इसमें बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, सॉरी। उन्हें, अब आर दे रखा है कथन, कथन दे रखा है ये तो, और आर दे रखा है कारण। उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों हम जब संगम काल पढ़ेंगे तो इसमें उसमें पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं हम। तो इसका आंसर तो वैसे यही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या करते हैं। अब क्यों सही है ये देखते हैं। संगम कालीन, इसमें संगम काल के देखते हैं कविताओं को, संगम काल में जो कविताएं थी उनको किल कन कक्कू कहा जाता था। संगम कालीन की जो कविताएं थी उनको किल कक्कू कम कहा जाता था, और ये 18 भागों में विभाजित थी, किल कक्कू कम थी, जिसमें 3 कुरुल और नाडियार ये भी थी, और जो अहम और पुरम जो कविताएं थी ये उत्तर संगम काल में लिखी गई थी। देख लो यही पूछा है हमसे, यही कारण बताया इसमें, उन्होंने संगम काल में रचना के विपरीत उत्तर संगम रचना सम्मिलित थी। इसमें दे रखा है एम, देख लो दोस्तों जो ये मैंने बताया है आपको कि ये जो क्रिक क्या नाम है इसका यार, सॉरी नाम ही अटपटे से थोड़ा साउथ के, थोड़ा तो दोस्तों माफी चाहता हूँ, थोड़ा नाम ही अटपटे, तो फिर से बताता हूँ। ये जो संगम कालीन, जो संगम जो कविताएं थी उनको, पहली बात तो उनको किलकनकु कहा जाता था, और ये 18 भागों में विभाजित थी जैसे मैंने बताया आपको, और इसमें 3 कुरुल और नडियार थे जो देखा है इसमें बताया गया क्वेश्चन में। उसके अलावा एम और पुरम कविताएं थी जिन्हें कलुकुनकक्कु कहा जाता था, और ये उत्तर संगम काल में लिखी गई थी। तो इसमें यही दे रखा है आपको, यही दे रखा है, देखो कथन ये दे रखा है, पांडुनेन किलकनकु समूह की अहम और पुरम कविताएं संगम काल की रचनाएं थी, वो रचनाओं का अनुवर्तन था। और इसमें दे रखा है उन्होंने प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया। ऐसे इसका वो तो उसका कथन दे रखा है, इसका एक कारण दे रखा है, तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं क्वेश्चनों को, अगले क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।